Hello students, myself Jyoti Shukla. Today I am going to deal with psychology, which is your third paper in LLB honors. Here's your syllabus, and in your syllabus the first topic is personality from unit 1. Today we will talk about the meaning and definition of personality, which is first topic. The second topic is determinants of personality. Under determinants of personality, we have heredity factors, environmental factors, and situational factors. And the last topic is theories of personality. Under theories of personality, we have trait theory, type theory, psychoanalytic theory, luministic theory, and learning theories. तो ये हो गई आपके syllabus की बात. सिलेबस समझने के बाद हम समझेंगे कि पर्सनालिटी क्या होती है. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी, वी अंडरस्टैंड व्हाट साइकोलॉजी इज एंड व्हाई डू वी स्टडी साइकोलॉजी इन लॉ. साइकोलॉजी क्या होती है और साइकोलॉजी का लॉ में क्या रोल है, या हम साइकोलॉजी को लॉ में क्यों पढ़ते हैं, हम ये जानेंगे. देखिए, साइकोलॉजी इज अ वर्ड which is derived from two Greek words, psyche and logos, where psyche means soul and logos means science or study. Here we will use the word study. In this way, or we can say in our classical term, psychology is a study of the soul, the mind and the consciousness. साइकोलॉजी क्या है अगर क्लासिकल टर्म में देखा जाए तो ये सोल की स्टडी करती है, माइंड की और कॉन्शियसनेस की. बट साइकोलॉजी की जो जर्नी है ये सोल से स्टार्ट होती है और बिहेवियर पर आकर रुकती है. पहले इसे क्लासिकल डेफिनेशन अगर साइकोलॉजी की देखें तो साइकोलॉजी को क्या कंसीडर करा जाता था, इट इज अ स्टडी ऑफ द सोल, द माइंड एंड द कॉन्शियसनेस. बट if we talk about present scenario or current situation, then psychology is considered as a science which studies human behavior and mind. It studies human behavior scientifically and studies human mind. ये तो बात हो गई साइकोलॉजी की. साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, इट एक्सप्लेन्स ह्यूमन बिहेवियर, इट डिस्क्राइब्स ह्यूमन बिहेवियर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज यूजफुल इन सॉल्विंग वेरियस टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज. सिर्फ और सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं जिनको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हो या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, ये लेमैन के लिए भी हेल्पफुल होती है. तो ये तो बात हो गई कि साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है. अब ये जानते हैं कि हम साइकोलॉजी को लॉ में क्यों पढ़ते हैं. देखिए, लॉ और साइकोलॉजी दो सेपरेट फील्ड्स हैं, बट दोनों में एक चीज कॉमन है, ह्यूमन बिहेवियर. साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड लॉ रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर. जब आप एज अ लॉयर साइकोलॉजी को पढ़ेंगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेंगे. क्लाइंट से किस तरीके से इंटरव्यू करना है, आप इंटरव्यू स्किल्स डेवलप करेंगे, अपनी रीजनिंग स्किल्स को एनहेंस करेंगे और अपनी थिंकिंग को भी बहुत हद तक चेंज कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी. तो ये तो बात हो गई लॉ और साइकोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप की. तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक जो कि हमें पढ़ना है एलएलबी में, दैट इज पर्सनालिटी. सो द फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी. इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. यहाँ पे देखिए सेटअप कर रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को. इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे क्योंकि आगे के टॉपिक्स अभी हम नहीं करने जा रहे इस वीडियो में. तो हम बस ये समझेंगे कि जो हमारा मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी है उस पर किस तरीके के क्वेश्चन लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं. तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आया है मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी पर, वो है हमारा गॉर्डन ऑलपोर्ट की डेफिनेशन का. यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा, गिव ऑलपोर्ट्स डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द की टर्म्स ऑफ ऑलपोर्ट्स डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी. देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में फ्रिक्वेंटली पूछा गया है और यही एक क्वेश्चन कई बार आया है. ज्यादातर आने इसी क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं. तो इसी के रेफरेंस में हम आगे अपने
मीनिंग और डेफिनेशन को समझेंगे। जो ऑलपोर्ट की डेफिनेशन है, यहाँ पे जरूर माइंड में क्वेश्चन होगा कि कोई और किसी और साइकोलॉजिस्ट का नाम क्यों नहीं है। तो जो ऑलपोर्ट की पर्सनालिटी की डेफिनेशन है वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, या आप कह लीजिए वेल स्ट्रक्चर डेफिनेशन है पर्सनैलिटी की, इसीलिए सबसे ज्यादा ऑलपोर्ट की डेफिनेशन ही पूछी जाती है। तो आइए बात करते हैं पर्सनैलिटी की, क्या होता है एक्चुअली में पर्सनैलिटी। देखिए आप में से, चलिए अभी एक्सप्लेन करने से पहले एक जनरल चीज समझ लेते हैं कि चाहे आप हो या मैं हूँ, कोई भी इंडिविजुअल हो, हम सब के अंदर ये टेंडेंसी होती है, हम दूसरे इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को जज बहुत इजीली कर लेते हैं, या तो उसके फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे, या तो उसके बोलने के तरीके से, या वो किस तरीके का दिख रहा है, किस तरीके से बातचीत कर रहा है, इन सब बेसिस पर हम इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को जज करते हैं या उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। इवन अगर हम किसी नई जगह पर जाएं, किसी नए इंडिविजुअल से मिलें, तो हम फौरन उसकी पर्सनालिटी जज कर लेते हैं कि अच्छा ये दिखने में ऐसा है तो इसका ऐसा एटीट्यूड होगा, ऐसा बिहेवियर होगा, ऐसी पर्सनालिटी लगती है इसकी। ओवरऑल हम क्या करते हैं, हम उसकी पर्सनालिटी जज करते हैं। वैसे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से आपका ये स्टार्ट हुआ है सिलेबस, इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे और खुद को भी समझ पाएंगे अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं पर्सनालिटी के ओरिजिन की। द वर्ड पर्सनालिटी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना व्हिच मींस मास्क। द मास्क व्हिच वाज यूज्ड बाय रोमन एक्टर्स इन थिएटर्स टू प्ले डिफरेंट डिफरेंट रोल। पर्सनालिटी क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है? तो पर्सनालिटी का ओरिजिन एक लैटिन वर्ड पर्सोना से हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, मास्क, जिसका मतलब होता है मास्क। और मास्क कैसा मास्क, ऐसा मास्क जिसका यूज रोमन एक्टर्स करते थे, जो भी उन्हें करेक्टर दिया जाता था प्ले करने के लिए, उसको स्क्रीन पर उतारने के लिए वो इस टर्म का यूज करते थे। बट पर्सनालिटी इस मास्क से कहीं ज्यादा ब्रॉड टर्म है, कहीं ज्यादा वास्ट टर्म है। अगर एक लेमैन की बात करें तो वो पर्सनालिटी को फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस या फिजिकल अपीयरेंस और एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पर डिफाइन करता है, या फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करेगा कि पर्सनालिटी की मीनिंग को डिस्क्राइब करेगा। बट ये जो फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे पर्सनालिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, ये दिस इज इनकरेक्ट वे। ठीक, दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टोटली सुपरफिशियल, इट इज टोटली सुपरफिशियल, जो कि विच इज नॉट करेक्ट। पर्सनालिटी को सिर्फ फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर समझना या डिस्क्राइब करना सही नहीं है। पर्सनैलिटी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से नहीं बनती है। सपोज इफ यू लुक एट एनी स्पोर्ट्स पर्सन, इफ यू लुक एट एनी फिल्म स्टार, यू हैव अ सडन जजमेंट दैट दे आर हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी। तो बताइए मुझे, इस पर्सनैलिटी ऑल अबाउट फिजिकल अपीयरेंस और इज देयर मोर टू इट? नहीं, पर्सनैलिटी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, पर्सनैलिटी में हमारी साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स भी इन्वॉल्व होती हैं। In psychological term, personality is our characteristics, ways of responding to individuals and situation. It is our characteristics pattern of our thinking, our behavior, and our feelings, which distinguish us from others. ये हमारे thinking का, feelings का, behavior का, motivation का और emotion का एक ऐसा pattern है जो कि हमें दूसरों से डिस्टिंग्विश करता है, दूसरों से अलग बनाता है, या हम कह सकते हैं कि दूसरों से यूनिक बनाता है। बट ये जो हमारा पैटर्न है थिंकिंग का, बिहेवियर का, इमोशंस का, दिस इज कंसिस्टेंट इन नेचर। अब देखिए, कंसिस्टेंसी जो है वो पर्सनालिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कंसिस्टेंसी का अब वर्ड आया है तो हमें इसका मीनिंग भी समझना जरूरी है, क्या मतलब होता है कंसिस्टेंसी का। जब हम ये कहते हैं कि देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इसका क्या मतलब है, इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी, इट मींस दैट
इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है जो कि बहुत ऑनेस्ट है, जो जिसके अंदर ऑनेस्टी का ट्रेट है या उसकी जो पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स है वो ऑनेस्टी है, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा मोस्टली सर्कमस्टांसेस में ही ऑनेस्टी का ट्रेट शो करेगा. हाँ, अगर वो किसी सिचुएशन में उसको झूठ बोलना भी पड़ जाए तो क्या होगा, ही विल बी गिल्टी अबाउट लाइंग. क्या होगा, अगर जो इंडिविजुअल है वो जो कि जिसके अंदर ऑनेस्टी का ट्रेट है, करेक्टरिस्टिक है, वो ज्यादा से ज्यादा सर्कमस्टांसेस में इस करेक्टरिस्टिक को शो करेगा, बट अगर उसे झूठ बोलना पड़ेगा तो क्या होगा, ही विल बी गिल्टी अबाउट लाइंग. वो झूठ बोलने के लिए उसके अंदर गिल्ट होगी. तो कंसिस्टेंसी से यहाँ पर ये मतलब है कि जो हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जो मेन फीचर्स हैं, दे डू नॉट चेंज ईजली, देयर शुड बी कंसिस्टेंसी. ये तो बात हो गई कंसिस्टेंसी की. आपको ये समझ में आ गया साइकोलॉजिकल टर्म में पर्सनालिटी क्या होती है, ये क्लियर हो गया. अब बात कर लेते हैं पर्सनालिटी की डेफिनेशंस की. ठीक है, हमने समझ लिया ओरिजिन क्या होता है, पर्सनालिटी का साइकोलॉजिकल टर्म समझ लिया. अब बात करते हैं पर्सनालिटी की डेफिनेशन की अकॉर्डिंग टू APA. आप लोग नोट्स में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ. अकॉर्डिंग टू APA, APA कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, इट इज APA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. अकॉर्डिंग टू APA, पर्सनालिटी रिफर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन करेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग. देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो हमारी थिंकिंग होती है, हमारी फीलिंग होती है, जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, वहाँ उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. यानी कि कोई भी दो इंडिविजुअल एक दूसरे से सिमिलैरिटी नहीं रखते, दे आर टोटली यूनिक. उनके जो फीलिंग्स होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो मोटिवेशंस होते हैं, बिहेवियर होता है, एक्टिविटी होती है, क्या होती है, दूसरे इंडिविजुअल से डिफर करती है. इन दिस वे दे हैव अ यूनिक पर्सनैलिटी. आगे क्या कहती है ये डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी फोकसेस ऑन टू ब्रॉड एरियाज. तो जो पर्सनैलिटी की स्टडी है वो दो चीजों पे मेनली फोकस करती है. किन किन पर, वन इज अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्टिकुलर पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स. पहला तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि दो लोगों के जो बिहेवियर हैं, जो पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं, और दूसरा इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है, उसकी पर्सनैलिटी को जो वेरियस पार्ट्स मिलकर बनाते हैं, वो किस तरीके से एज अ होल वर्क करते हैं. ये तो बात होगी APA की. अब देखिए डेविस ने किस तरीके से पर्सनालिटी को डिफाइन करा है. अकॉर्डिंग टू डेविस, अ साइकिक फिनोमेना, पर्सनालिटी इज अ साइकिक फिनोमेना व्हिच इज नीदर ऑर्गेनिक नॉर सोशल बट एन इमर्जन फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. डेविस की बात करी जाए तो उन्होंने भी यही बोला कि पर्सनालिटी सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं, सिर्फ सोशल नहीं, बल्कि ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है. तो पर्सनालिटी हमारे थिंकिंग, बिहेवियर, फीलिंग का एक ऐसा पैटर्न है जो कि कंसिस्टेंट होता है नेचर में, जो कि यूनिक होता है, जिसमें दोनों इंडिविजुअल्स जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कंसिस्टेंसी होती है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स की. और पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स को समझने के बाद हम समझेंगे ऑलपोर्ट की डेफिनेशन को. तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी इज नॉट रिलेटेड टू बॉडीली स्ट्रक्चर अलोन. यही चीज जो अभी हम लोगों ने ऊपर समझी कि पर्सनालिटी सिर्फ हमारे फिजिकल अपीयरेंस, बॉडीली स्ट्रक्चर से, हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये उससे कुछ ज्यादा है और हमारी साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स को भी इन्वॉल्व करती है. अगर साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए तो हम किस तरीके से किसी इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे हम कॉमन टर्म्स यूज करते हैं कि कोई इंडिविजुअल है वो बहुत शाय है, बहुत टॉकेटिव है, बहुत एक्सट्रोवर्ट है, आउटगोइंग है, आउटस्पोकन है, क्रिएटिव है, इंटेलिजेंट है, तो ये सब क्या है, दीज आर साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक. तो पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स एंड साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स बोथ.
अब पर्सनालिटी की दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या है उसको देख लेते हैं। पर्सनालिटी इज नीदर गुड नॉर बैड, यानी कि ना तो पर्सनालिटी अच्छी है ना बुरी है। पर्सनालिटी इज नॉट अ मिस्टीरियस फिनोमेना, विच मीन्स पर्सनालिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं है जो कि मिस्टीरियस हो या जिसको असेस ना किया जा सकता हो। पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी टेस्ट बनाए हैं और पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज बनाई हैं जिनके थ्रू हम पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं, पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एक और इम्पोर्टेंट फीचर की, दैट इज एवरी पर्सनैलिटी इज यूनिक। अभी मैंने बताया हमारी कुछ करेक्टरिस्टिक शायद एक दूसरे से मैच कर जाएं, ठीक, बट जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं दूसरे इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस से। इन दिस वे एवरी पर्सनैलिटी इज यूनिक। हर पर्सनैलिटी क्या है, यूनिक है, हर व्यक्तित्व अनोखा है। इसकी एक और क्वालिटी है या एक और करेक्टरिस्टिक है पर्सनैलिटी की, वो क्या है, पर्सनैलिटी इज एक्वायर्ड। जैसे एक बच्चा होता है इस दुनिया में, जब आता है फर्स्ट इंटरेक्शन उसका उसके पेरेंट्स से होता है, फिर बड़ा होता है, स्कूल जाता है, टीचर से मिलता है, फ्रेंड से मिलता है, धीरे धीरे और बड़ा होता है, तो जैसे जैसे उसकी जो सोशल गैदरिंग है, जो लोगों से इंटरेक्ट, जितना ज्यादा वो ग्रुप से इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या हो रही है और एनहेंस हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रही है। तो पर्सनैलिटी इज एक्वायर्ड, ठीक है। ये बात हो गई करेक्टरिस्टिक की। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस देख ली। अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की, पर्सनैलिटी की मेन डेफिनेशन, विच इज गिवन बाय गॉर्डन ऑलपोर्ट, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये फ्रिक्वेंटली आ रही है। तो बात करते हैं पर्सनैलिटी की इन टर्म्स ऑफ गॉर्डन ऑलपोर्ट। According to Gordon Allport, personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment or characteristics, behavior and thought. अब देखिए Allport की इस definition को हम लोगों ने 4 parts में divide कर दिया है। एक एक करके हम इन पार्ट्स को समझेंगे क्योंकि इस डेफिनेशन पर आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब देखा तो आई होप आप लोग को देख करके क्लियर हो गया होगा कि कितनी फ्रिक्वेंटली इसको पूछा है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है इस डेफिनेशन का वो क्या है, पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विच मीन्स some of its features may change because of internal and external situational demands. यानी कि personality को dynamic organization इसलिए कहा जाता है क्योंकि personality के कुछ features ऐसे होते हैं जो कि situational demands की वजह से change हो सकते हैं. That's why it is called dynamic in nature. फॉर एग्जाम्पल मानिए आपका कोई फ्रेंड है, उसका नाम श्याम है, ठीक। वो आपके साथ जब कॉलेज में पढ़ता था तो वो बहुत जॉली था, टॉकेटिव था, आउट स्पोकन था, फनी था, बहुत क्रिएटिव था और बहुत ज्यादा उसका जो बिहेवियर था कैसा था, घुलने मिलने वाला था, ठीक। आप उसके बिहेवियर को बहुत लाइक भी करते थे इसी वजह से। फिर क्या हुआ, आप लोग स्टडीज के लिए आप अलग चले गए, वो अलग चला गया। After 5 years, suppose मान लीजिए 5 years या 6 years, आप उससे suddenly मिलते हैं कहीं market में या कहीं, तो आप उसको देखते हैं उसकी जो personality है, जो characteristics थी उसकी, ये जो jolly, जो उसका jolly behavior था, इतना वो talkative था, इतना funny था, वो change हो गया है। अब वो पहले जैसा शांत नहीं है, बल्कि अब वो बहुत शांत रहने लगा है, बहुत serious रहने लगा है और बहुत ही ज़्यादा वो responsible हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी जो फैमिली सिचुएशंस थी वो चेंज हो गई। जब आप 5 साल बाद उससे मिले तो आपको पता चला कि उसके फादर की डेथ हो गई है, ठीक, और जो सारी उसके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी बहन की एजुकेशन और अर्निंग का जो भी मैटर है, वो सारा कुछ किसके ऊपर आ गया, श्याम के ऊपर आ गया। तो श्याम का बिहेवियर क्या हुआ, चेंज हो गया बिकॉज ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स, ठीक, समझ में आया।
जो उसकी पर्सनालिटी थी, वो जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स थे, जो करेक्टरिस्टिक्स थी, वो चेंज हो गई। क्यों चेंज हुई? क्योंकि उसकी लाइफ की जो सिचुएशंस थी वो चेंज हुई, इस वजह से उसका बिहेवियर चेंज हुआ। तो पर्सनालिटी को इसीलिए डायनामिक बोला गया है। दैट्स व्हाई ऑलपोर्ट कॉल्ड पर्सनालिटी एल इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की, जो कि हमारी डेफिनेशन में दिया गया है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? साइकोफिजिकल सिस्टम। अभी हम लोगों ने ऊपर समझा था साइकोफिजिकल सिस्टम अगर बोल रहे हैं ऑलपोर्ट, तो इसका क्या मतलब है? इट मींस कि सिर्फ पर्सनालिटी हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स से नहीं बनी है, ये हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी इंक्लूड करती है। यानी कि सिर्फ किसी इंडिविजुअल की हाइट, उसका वेट, उसका कॉम्प्लेक्शन, उसका कलर ही पर्सनालिटी में नहीं होता है, उसका जो आउटर अपीयरेंस है सिर्फ वही पर्सनालिटी में नहीं होता है, बल्कि ओवरऑल उसकी जो साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी पर्सनालिटी में इंक्लूड होती हैं या इन्वॉल्व होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑलपुट की डेफिनेशन का डिटरमिनेंट्स। अब देखिए, जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी के एस्पेक्ट होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को, हमारे थॉट्स को, बिहेवियर को गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, और वो एज अ डिटरमिनेंट रोल प्ले करते हैं हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में। इसलिए यहाँ पर डिटरमिनेंट्स की बात करी गई है। फिर लास्ट पॉइंट है यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट और करेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड थॉट। अभी हम लोगों ने बात करी थी एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, तो जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती हैं इंडिविजुअल्स की, जो भी उनके सामने सिचुएशंस आती हैं उन सिचुएशन में वो खुद को अडैप्ट करता है, और ये जो अडैप्टेशन होता है, हर इंडिविजुअल के जो एक्सपीरियंस होते हैं ये दूसरे इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस से बिल्कुल यूनिक होते हैं और अलग होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑलपोर्ट ने किस तरीके से पर्सनालिटी को डिफाइन किया है, एक लेमैन पर्सनालिटी को क्या समझता है, और साइकोलॉजिकल टर्म में पर्सनालिटी क्या होती है। अब देखिए, दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हैं इसमें जो आप लोग समझ लीजिए। जनरली क्या होता है, हम पर्सनालिटी को करेक्टर से या कॉन्सेप्ट या टेम्परामेंट से हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो करेक्टर होता है, करेक्टर इज रिलेटेड टू आवर मॉरल वैल्यूज, ठीक है। करेक्टर में हमारी मॉरल वैल्यूज आ जाती हैं, और जो हमारे टेम्परामेंट होते हैं दे आर इननेट, सच एज अडैप्टेबिलिटी या इरिटेबिलिटी, ये सब क्या है, ये टेम्परामेंट है और ये इननेट होते हैं। तो इनको आप प्लीज पर्सनालिटी से कंफ्यूज मत करिएगा। ये हाँ, दीज आर द वाइटल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, बट दे आर नॉट पर्सनालिटी। करेक्टर इज समथिंग डिफरेंट, पर्सनालिटी का ये पार्ट जरूर है लेकिन ये पर्सनालिटी नहीं है। तो आप लोग करेक्टर को और पर्सनालिटी को, टेम्परामेंट को, इन तीनों को एक दूसरे के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई और आपको सारे डेफिनेशन के पार्ट्स क्लियर हो गए। अब देखिए, इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, ये हम लोगों ने कवर कर लिया, समझ लिया पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी को किस किस तरीके से डिफाइन करा गया है। अब बात कर लेते हैं डिटरमिनेंट्स की, लेकिन डिटरमिनेंट्स को बस यहाँ पर ब्रीफ इंट्रो देकर छोड़ दूंगी। डिटरमिनेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि जो पर्सनालिटी के डिटरमिनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। डिटरमिनेंट्स क्या हैं? ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं या हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। वो कैसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को शेप कर रहे हैं या हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। डिटरमिनेंट्स कैसे हैं? यहाँ पे हम लोग को 3 टाइप के डिटरमिनेंट्स पढ़ना है, जो कि हैं हेरिडिटी, एनवायरमेंट एंड सिचुएशनल फैक्टर्स। इन डिटरमिनेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तीनों डिटरमिनेंट्स को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया है व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी की।